प्यार से बुलाया शिवम लौट आया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में किसी परवचन की। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इच्छाधारी सांपों के बारे में। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा कि भैया तुम बताओ क्या इच्छाधारी सांप होते हैं या नहीं होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि इच्छाधारी सांप होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इसमें मेरा जवाब ये है कि इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप इंटरनेट पे जाके चेक करोगे तो वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि ये है भी और ये नहीं भी है। और मैं आपको बता दूं कि कहानियाँ हैं, मान्यताएं हैं, तो क्यों छेड़ने जा रहे हो? बेकार में चोट चाट लग जाएगी, मान जाओगे। जो भी है, जैसा भी, उसको वहीं पर छोड़ दो भाई। तुम भी सुरक्षित रहोगे, हम भी सुरक्षित रहेंगे। वैसे मुझे लगता है कि हो सकते हैं और मुझे लगता है कि नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक क्लियर आंसर देता हूँ, जो लोग मानते हैं कि है उनके लिए नहीं है, और जो लोग मानते हैं कि नहीं है तो उनके लिए है। बस अब मैंने आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया। अब इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में कोई जानकारी मुझे अवेलेबल नहीं मिली। मैंने बहुत सर्च किया, कहीं बता रहे थे कि नहीं है, कहीं बता रहे थे कि है। तो इसलिए मैंने कहा कि भैया छोड़ो, पता चल गया कि दोनों बातें एग्जिस्ट करती हैं। इंटरनेट पे आप किसी एक चीज़ को उठा के नहीं कह सकते कि नहीं है, वरना बाकी लोग को बुरा लग जाएगा, मिर्ची लग जाएगी कि भैया इसने कैसे कह दिया, कैसे कह दिया इसने। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, बहुत ही स्मार्ट आदमी हूँ, बच के निकल जाना चाहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर अभी 9000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। अभी चैनल बंद करोगे कि अभी तो कमाई भी चालू नहीं हुई। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में अंदर की बातें जानने के बाद। तो जय हिंद, जय भारत।